ओम नमस्कार दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अ वेरी कॉर्डियल वेलकम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स इन पंडित जी स्मार्ट क्लासेस। द टॉपिक वी आर गोइंग टू हैव टुडे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रिंटर। एक्चुअली इफ यू गो थ्रू द लास्ट टू एग्जाम्स ऑफ हॉस्टल वार्डन कंडक्टेड बाई व्यावसायिक परीक्षा मंडल, यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट 6 to 7 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस टॉपिक। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी डिटेल पर्टेनिंग टू दिस टॉपिक। लेट्स बिगिन टू स्कोर इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर, देखिए पॉइंट बनाते हुए चलेंगे इसमें। सबसे पहले देखिए याद रखिए प्रिंटर क्या है। तो प्रिंटर में आपको एक चीज याद रखना है, पहला टेक्स्ट और दूसरा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब यह है कि आप जितने भी पुस्तक में जो शेप्स और कुछ चित्र ग्राफिक्स देखते हैं वही है आपका टेक्स्ट, और इलस्ट्रेशन इसको क्या करता है, ये प्रिंट करता है, पहला पॉइंट। ठीक। दूसरा, इस तरह से सवाल प्रश्न में आ सकता है कि प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब ये ऐसा मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, आपका परफॉर्म करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कहा जाता है। ठीक। दूसरा, ये तो हो गया दूसरा। अब तीसरा पॉइंट क्या बनाते हैं, टेक्स्ट और ग्राफिकल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं उसको ये फिजिकल फॉर्म में बदल देता है, ये तीसरा पॉइंट बना। जाहिर सी बात है, आप जब कंप्यूटर कोई कमांड देता है जो ग्राफिक्स या टेक्सचुअल जो फॉर्मेट में होता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली, उसको फिर क्या करता है, ये फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में मतलब आपको हार्ड कॉपी उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया तीन पॉइंट। पहला देखा हम लोगों ने टेक्स्ट इलस्ट्रेशन को क्या करेगा, प्रिंट आउट करेगा। दूसरा जो है आपका क्या, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। और तीसरा जो है क्या, ग्राफिक्स और जो कमांड इलेक्ट्रॉनिकली जो उसको कमांड मिलते हैं उसको क्या करेगा, आपको फिजिकल फॉर्म में आउटपुट मतलब प्रोवाइड करेगा रिजल्ट के रूप में। ठीक। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर में सबसे पहले देखिए प्रिंटर के दो, आप देखिए अगर मान लो जब प्रश्न इस तरह से आते हैं कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली दो प्रकार के होते हैं, लेकिन तीसरा जो अभी फॉर्मेट है वो आपका 3D प्रिंटर है, जो फिजिकली आपको इसको ये फिजिकली जो प्रोड्यूस होता है आपका, जो किसी प्रकार का आकार या शेप जो आप देखते हैं उस तरह से आपका क्या होता है, प्रिंट होता है, तो 3D प्रिंटर। तो पहला जो है याद रखिएगा वो है क्या, आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा जो है आपका नॉन इंपैक्ट, और 3D जो है आपका तीसरा कैटेगरी। लेकिन अगर प्रश्न अगर आता है कि आपको मेनली कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के क्या होते हैं, प्रिंटर होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो इंपैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा, इंपैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होगा तीन प्रकार के, याद रखिएगा, ये हो गया आपका पहला, दूसरा और तीसरा। तो डेसीविल, लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये किसके प्रकार हैं, इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट मतलब जो क्या होता है, आपका जो स्ट्राइक होता है, जो नॉइसी होता है, उसको क्या करेंगे, इंपैक्ट प्रिंटर कहेंगे। ठीक है। हेड का जिसमें क्या होता है, स्ट्राइक बार बार होते रहता है, उसी को क्या करेंगे, इंपैक्ट पड़ते रहता है उस प्रिंटर में, वही क्या कहलाता है आपका, इंपैक्ट प्रिंटर कहलाता है। इंपैक्ट प्रिंटर में तीन प्रकार होते हैं, लेकिन लाइन प्रिंटर के तीन प्रकार होते हैं, एक दो और ये तीन, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ठीक। क्या क्या, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। प्रिंटर के दो प्रकार हैं मेनली, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, और तीसरा जो है 3D प्रिंटर लेंगे, लेकिन अगर प्रश्न में दिया हो तो, अदरवाइज आप क्या करेंगे, मेनली दो प्रकार के प्रिंटर लेंगे। इंपैक्ट का मतलब होता है कि जो हेड बार बार स्ट्राइक करता है, याद रखिए रिबन और पेपर में, तो उसको क्या कहते हैं, नॉइजी होता है, ये होता है इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर के तीन प्रकार होते हैं, डेसी व्हील, लाइन और क्या है आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें याद रखिएगा लाइन के फिर क्या होते हैं, सब टाइप्स फिर होंगे, लाइन के सब टाइप्स होंगे, चैन, ड्रम और बैंड। तो लाइन प्रिंटर के फिर तीन प्रकार होंगे। ठीक। अब चलते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में। तो नॉन इंपैक्ट का मतलब याद रखिएगा, ये क्या होता है, किसी प्रकार का आपका हेड स्ट्राइक नहीं करता, और ये क्या होता है, विदाउट नॉइसी आपका ये ऑपरेट होता है। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, इंक जेट, मैं लिखना इसको भूल गया हूं, इंकजेट प्रिंटर। ठीक। दूसरा आपका आएगा लेजर प्रिंटर। तो ये जितने प्रकार के आप प्रिंटर देख रहे हैं, ये क्या है, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर क्या आएंगे, आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। और एक अंतिम में जो था आपका प्रिंटर का, वो है 3D प्रिंटर। इसको पॉइंट टू पॉइंट देखते चलेंगे। ठीक है। चलिए,
तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए इंपैक्ट प्रिंटर में हम लोगों ने क्या किया था, तीन प्रकार के प्रिंटर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो सबसे पहला उसमें है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील, ये देखिए ये क्या है, फ्लावर है, जो डेजी क्या होता है, फ्लावर है, यूरोपियन फ्लावर है, उसी के नाम पर ये क्या रखा गया, देखिए ये फ्लावर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें एक एक देखिए ये कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये कैरेक्टर क्या है इसमें, ये सभी कैरेक्टर क्या होता है कि पेपर और रिबन में इसका फंक्शनलिटी भी देते हैं। पहले पॉइंट बनाते हुए चलते हैं, पहला है आपका डेजी व्हील, इसको क्या कहेंगे हम, डेजी व्हील प्रिंटर कहेंगे, ठीक। चलिए दूसरा चीज है, देखिए आप जाहिर सी बात है आपको अगर प्रश्न आता है कि कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है, तो जाहिर सी बात है ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करते जाएगा, प्रिंट करते जाएगा। देखिए एक एक आपका क्या करेगा, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ये जो हेड जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका, ये जो हेड दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, इसको स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये जो आपका रिबन, जो रिबन और कागज में क्या होते जाएगा, ये आपका ये टाइप होते जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका क्या, डेजी व्हील प्रिंटर कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा फंक्शनलिटी को समझते हैं। ये देखिए ठीक, ये देखिए, तो इस तरह से आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो मुझे ए प्रिंट करना है, ए, ये बी सी डी ई दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा आपका, एक एक करके क्या होगा, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करते जाएगा। और ये जो हैमर है, यही हैमर क्या करेगा, इस जो मेटल का जो बना रहेगा आपका, तो इसको क्या करेगा, ये स्ट्राइक करेगा किस पे, रिबन पे, और आपका फिर प्रिंट क्या दिखाई देगा, ए बी सी डी दिखाई देगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा आपका, वन बाई वन, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, इसलिए क्या होगा, ये कैरेक्टर आपका कैरेक्टर प्रिंटर होगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, डेजी व्हील प्रिंटर कहलाएगा, ठीक। चलिए ये देखिए डेजी व्हील प्रिंटर को देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिए कुछ प्रश्न जो आए हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। डेजी व्हील एक प्रकार का है, तो क्या आएगा, देखिए मैट्रिक्स प्रिंटर तो है नहीं, इंपैक्ट प्रिंटर हाँ, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तो है नहीं, क्योंकि इसमें हेड होता है जो क्या करता है, मेटल को बार बार क्या करेगा, स्ट्राइक करते जाएगा, इसलिए क्या होगा आपका, ये तो है नहीं इंपैक्ट प्रिंटर, चलिए ये भी नहीं है, और ये थर्मल प्रिंटर तो अभी है नहीं, थर्मल प्रिंटर तो किसमें आएगा आपका, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, इंपैक्ट प्रिंटर आएगा, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर तीन प्रकार से देखा था, डेजी, लाइन और आपका, ठीक है, ड्रम प्रिंटर। चलिए अब आते हैं गोल्फ बॉल प्रिंटर। तो गोल्फ बॉल याद रखिएगा, ये क्या होता है, जैसे आप देखेंगे ये जो आप ये इस तरह से गोल, ये क्या है, इसका शेप जो है क्या होता है आपका, सर्कल होता है, और बॉल भी क्या होता है उसी तरह से गोलाकार होता है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, गोल्फ बॉल। ये क्या होगा, डेजी व्हील प्रिंटर। ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान देते जाएंगे। निम्न से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है, जाहिर सी बात है तो स्कैनर हम लोगों ने इसके पहले पढ़ चुका है आपका, ठीक है। तो फ्लैट बेड स्कैनर होता है, हैंडहेल्ड भी होता है, और शीट फेड भी होता है, ठीक है, लेकिन डेजी व्हील नहीं होता है। डेजी व्हील क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका, प्रिंटर होगा, ठीक, स्कैनर नहीं होगा। एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता। अब चलिए आप लॉजिक यहां पर क्रिएट करिए कि अगर मान लो जब मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको क्या करते जाता हूं, प्रिंट करते जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है मेरे पर ग्राफिक्स करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ग्राफिक्स डिजाइन करने का कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा था इसके पहले वाले इसमें नहीं, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ये देखिए इंकजेट, थर्मल, लेजर, अब क्या बचा हमारे पास, डेजी व्हील। तो आंसर क्या आएगा, डेजी व्हील। इंकजेट क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हो जाएगा, थर्मल भी वही हो जाएगा, और लेजर भी, ये तीनों किसमें आ जाएंगे, ये तीनों कैटेगरी किसमें आ जाएंगे आपके, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है, ठीक। तो जितने आजकल देखते हैं आप लेजर इंकजेट प्रिंटर देखते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, ग्राफिक्स का डिजाइन किया जाता है, डेजी व्हील में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। अच्छा, इसको मैं लिखना भूल गया था। अब देखिए हम लोग बात किसका करेंगे, डेजी व्हील के बाद आएंगे, लाइन प्रिंटर में आएंगे। लाइन के सब टाइप्स देखेंगे, चैन, ड्रम और आपका बैंड। लाइन मतलब एक बार में क्या होगा, एक लाइन को प्रिंट करेगा, तो इसलिए ये लाइन प्रिंटर कहलाता है। डॉट मैट्रिक्स भी क्या होगा आपका, कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करेगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसमें, चैन प्रिंटर में। बड़ा आसान है इसको समझना, देखिए
इसमें क्या होगा, ये जो हैमर दिखाई दे रहा है आपको, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, चैन प्रिंटर देख रहे हैं, चैन प्रिंटर की बात है, नाम से ही समझ आ रहा है, ये जो चैन जो दिखाई दे रहा है, चैन जो साइकिल का जैसे चैन होता है, ये क्या होता है, इस तरह से आपका सर्कल में जो बना रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, कैरेक्टर्स क्या हैं आपके, यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर्स आपके पहले से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जब चैन इस तरह से घूमते हुए जाता है, तो ये जो आपका, ये क्या है आपका, ये प्रिंट आपका हैमर है, इसी हैमर से उसके बाद ये क्या है आपका पेपर है, ये लगा हुआ रिबन, याद रखिएगा इंक कोटेड रिबन रहता है। तो क्या होता है, ये चैन चलते जाता है और ये हैमर इसको क्या करते जाएगा, स्ट्राइक करते जाएगा और आपको क्या दिखाई देगा, प्रिंट होकर आपको प्राप्त होगा। तो जाहिर सी बात है नॉइजी होता है आपका प्रिंट, क्या करेगा ये, और एक बार में एक लाइन को प्रिंट करेगा ये, इसलिए लाइन प्रिंटर है। देखिए चैन प्रिंटर एक प्रिंटर है, तो चैन प्रिंटर क्या है, जाहिर सी बात है नॉन इंपैक्ट तो है नहीं, क्योंकि एक भी हैमर हैमरिंग करेगा, लेजर, लेजर तो नॉन इंपैक्ट है, लाइन, हाँ लाइन प्रिंटर हो सकता है, डॉट मैट्रिक्स, क्लियर है। तो क्या आएगा, चैन प्रिंटर एक क्या है आपका, डॉट मैट्रिक्स तो खुद एक प्रकार है, तो आंसर क्या आएगा आपका, लाइन प्रिंटर। चलिए लाइन के बाद चलते हैं ड्रम प्रिंटर में। देखिए ड्रम प्रिंटर आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके पहले हम लोगों ने चैन, जो मेटल का जो चैन था उसमें क्या होता, आपका सारे कैरेक्टर उसमें क्या थे, एम्बेडेड थे। अब इसमें देखेंगे तो ये इस तरह से आपका क्या है, सारे इस ड्रम में आपका कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। तो ये जो ड्रम घूमते जाता है, याद रखिएगा, और ये जो प्रिंट हैमर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, ये देखिए कागज लगा हुआ है, ये क्या है, पेपर लगा हुआ है आपका, ये आपका रिबन है। तो रिबन क्या होता है, इंक कोटेड रहता है, ये पेपर में क्या होगा, ये आपको बार बार ये क्या करेगा, हैमर हैमरिंग करते जाएगा, ये स्ट्राइक करते जाएगा और ये क्या होगा, इस पेपर में आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार में एक लाइन प्रिंट होगा, ये क्या कहलाएगा, ड्रम प्रिंटर। इसको क्या है, ये इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। चलिए इंपैक्ट प्रिंटर है, अब कैसे इसको देखेंगे, इंपैक्ट प्रिंटर है, चलिए इसको भी बनाते चलिए। इंपैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जाहिर सी बात है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, ठीक है। ड्रम प्रिंटर ए और बी दोनों, देखिए अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जाएंगे जो नहीं रहेगा उसको क्रॉस करते चलेंगे। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो है, ओके, ड्रम प्रिंटर है, अभी इसके पहले आपने ड्रम प्रिंटर पढ़ा, ए और बी दोनों दिया है तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो है ही। इंकजेट प्रिंटर, ये जो क्या है आपका नॉन इंपैक्ट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा आपका, ये तीसरा वाला जो आंसर आपको क्या करेंगे, ये आंसर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए बैंड प्रिंटर, इसमें बहुत ज्यादा समझने वाला बात नहीं, जो चैन प्रिंटर आपने देखा था सेम ऐसा ही है, याद रखिएगा। इसके जगह में क्या होगा, ये स्टील का आपका एक बैंड दिखाई दे रहा है, ये देखिए तो इसमें क्या होता है, ये जो चैन के जगह में एक क्या होता है, ये बैंड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी क्या होगा, करेक्टर आपका दिखाई दे रहा है यहां पर, ठीक है, ठीक है। और ये हैमर होगा, ये देख रहे हैं आपका हैमर, ये रिबन होगा और ये पेपर है, तो यही जाहिर सी बात है, रिबन के ऊपर में पेपर, पेपर में क्या करेगा, हैमरिंग होते जाएगा और ये जो मेटल ऐसे घूमते जाएगा, तो मेटल में क्या होता जाएगा आपका, एक बार में लाइन प्रिंट होता जाएगा, ये लाइन प्रिंटर। और ये किसका एग्जांपल होगा आपका, सॉरी ये किसका टाइप होगा, ये होगा आपका बैंड प्रिंटर। तो चैन के जगह में आपने बैंड कर दिया है, ठीक है, बाकी सिमिलरली फंक्शन जो है सेम रहेगा, इट विल रिमेन सेम, ओके। नाउ लेट्स मूव, चलिए अब देखते हैं, निम्न में से एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, इसको समझना है। पहला देखिए इंकजेट, जाहिर सी बात है अगर मैं इंकजेट की बात करता हूं, पहले एक एक करके चलते हैं, ये गोल्फ बॉल प्रिंटर, ये डेजी व्हील प्रिंटर क्या है आपका, कैरेक्टर प्रिंटर, ये तो है जाहिर सी बात है। बैंड प्रिंटर ये है, लाइन प्रिंटर है, याद रखिए ये क्या है आपका, ये लाइन प्रिंटर, एक बार में एक लाइन प्रिंटर करेगा। थर्मल प्रिंटर, ठीक है, थर्मल प्रिंटर में भी क्या होता है, ये इसमें क्या होता है आपका, जो लैंप होते हैं उसमें हीट के उसमें काम करेगा ये, ठीक है। तो अभी आपको इस कैटेगरी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका ये बैंड प्रिंटर, तो ये एक बार में क्या करेगा, ये आपका बैंड प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करेगा, ठीक है, जो अभी तक अभी तक आप लोगों ने जिसमें पढ़ा है। चलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर चलते हैं। देखिए डॉट मैट्रिक्स, नाम से समझ आ रहा है, आप डॉट कैसे कर पाएंगे, अगर पेपर को किसी प्रकार का आपको पेपर को आपको डॉट करना है तो उसके लिए क्या होंगे, पिंस होंगे, याद रखिए क्या लगे रहते हैं, पिंस और वायर्स लगे रहते हैं। ये देखिए इसमें क्या होगा, हैमर में जो है क्या है, एक मतलब उसमें पिंस और वायर्स जो है फिक्स्ड होंगे,
अब वही क्या करेगा आपका जो इंक कोटेड रिबन में क्या करते जाएगा, बार बार हैमरिंग करते जाएगा, स्ट्राइक करते जाएगा और वो डॉट 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 क्या होते जाएगा, कैरेक्टर उसमें प्रिंट होते जाएगा। ठीक है, तो ये भी कैरेक्टर प्रिंटर की एग्जांपल। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से क्या लगे रहते हैं, ये पिन आपके एक फिक्स्ड पैटर्न में, ये प्रिंट, ये इस तरह से पिन लगे होते हैं। तो पिन जो है याद रखिएगा, ये क्या करते जाएगा, इसमें स्ट्राइक करते जाइए, देखिए ये इस तरह से, ठीक है, और ये लगातार क्या करेगा, ये इस तरह से, जैसे W लिखा गया ये, ठीक है, जैसे H लिखना है तो इस तरह से क्या करेगा, और ये देखिए पेपर में क्या होते जाएगा, ये स्ट्राइकिंग करेगा और उस तरह से क्या होगा आपका, ठीक है, ये प्रिंट होते जाएगा। जैसे ये देखिए, आपने डॉट डॉट बना के, पहले आपको याद होगा जैसे रंगोली बनाते थे तो रंगोली में क्या करते थे, जैसे चार से चार लेते थे, अब उसको क्या कर देते थे, ऐसे जोड़ देते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चलिए कुछ प्रश्न बनाते चलेंगे इसमें। ये देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, अब इसमें एक चीज समझने वाला बात है, जो इसके पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस आपने जो पिक्चर देखा उसमें क्या दिखाई दे रहा है, जो मैट्रिक्स मतलब आपका जो डॉट डॉट होते होते, तो ये जो है देखिए पहला चीज तो सीक्वेंशियली तो होगा नहीं, यूनिडायरेक्शनल, ये क्या होगा आपका, ये दोनों तरफ इधर भी फिर इधर भी प्रिंट आपका क्या करेगा, वो डॉट डॉट हैमरिंग करते हुए पेपर को प्रिंट कर सकता है, ये इधर भी जाएगा वन डायरेक्शनल और इधर क्या हो जाएगा बाई डायरेक्शनल, तो ये क्या होगा, सॉरी यूनिडायरेक्शनल तो नहीं होगा, सॉरी ये होगा, यहां पर आंसर दिया है बाई डायरेक्शनल, ये क्या होगा आपका दोनों दिशा में क्या होगा आपका, ये क्या करेगा हैमरिंग करेगा और आपका प्रिंट करेगा, तो क्या आएगा आंसर इसका बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है, जाहिर सी बात है बहुत सरल सा एग्जांपल है, तो डॉट मैट्रिक्स अभी क्या देख रहे हैं आप, पहला क्या देखेंगे इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है भाई, उसमें अगर पिन लगे हैं और पिन अगर मान लो जो हैमरिंग कर रहा है तो नॉइस क्रिएट करेगा, तो ये स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, ये इंपैक्ट प्रिंटर होगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तो है नहीं, ठीक है, लेजर प्रिंटर ये खुद नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, और आपका 3D प्रिंटर ये तो एक अलग प्रकार का ही प्रिंटर है। चलिए चलिए कुछ प्रश्न जो और आए हैं देखते हैं। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तो है नहीं, ठीक है, ये इंपैक्ट प्रिंटर है, एक बार में एक पूरी लाइन, ये लाइन प्रिंटर का भी एग्जांपल नहीं है, सॉरी इसका टाइप्स नहीं है, एक बार में एक से अधिक कॉपी निकालता है, ये भी नहीं है, पेज प्रिंटर भी नहीं है, लेजर प्रिंटर को क्या कहते हैं, पेज प्रिंटर कहते हैं, ये भी नहीं है, एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है, यस आंसर आपका क्लियर है। यहां आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान देखिए आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स क्या करना है, कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, फिर से वही प्रश्न आ गया है देखिए आपका, ठीक है, तो ड्रम प्रिंटर जो आपने देखा था वो क्या है, ये लाइन प्रिंटर है, ये लाइन प्रिंटर है, अब देखिए बैंड प्रिंटर, ये भी क्या है लाइन प्रिंटर का ही एग्जाम्पल है, डॉट मैट्रिक्स, तो जाहिर सी बात है डॉट मैट्रिक्स इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये क्या करेगा कैरेक्टर बाई कैरेक्टर क्या करते जाएगा प्रिंट करते जाएगा, ठीक है, पिन और वायर का जो पैटर्न होगा वो क्या करते जाएगा स्ट्राइकिंग करते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु का उपयोग किया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स जो ब्लैंक्स है का उपयोग किया जाता है, जाहिर सी बात है, अब देखिए इंक पहला चीज, अगर इसमें इंक की मैं बात करूं तो इंक कोटेड रिबन ऑलरेडी रहता है, ठीक है, अलग से उसमें इंक नहीं भरते हैं, पाउडर की अगर मैं बात करूं तो जो सूखी सूखी सही वाला एग्जांपल देखेंगे वो हम लोग किस में चलेंगे, आपके लेजर वाले प्रिंटर में चलेंगे, रिबन आपका ऑलरेडी होता है, ठीक है, और एक है गर्मी, तो गर्मी थर्मल नहीं, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा इसको समझ कर इसको आंसर लेना है, इंक अलग से इंक तो होता नहीं इसमें, ठीक है, दूसरा चीज देख रहे हैं इसमें पाउडर, ये वाला भी इसका एग्जाम, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, अब एक है गर्मी, ये थर्मल वाले में है तो थर्मल वाला भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका रिबन, ठीक है, रिबन लगा रहता है, जिस रिबन और पेपर उसी के ऊपर क्या होता है स्ट्राइकिंग होता है, आंसर क्या लेंगे इसका रिबन लेंगे। चलिए तो हमारा यहां से क्या होता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर यहां से खत्म होता है, सॉरी इंपैक्ट प्रिंटर खत्म होता है, अब चलेंगे हम लोग इसमें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पर चलेंगे, देखिए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में सबसे पहला आप क्या देख रहे हैं थर्मल प्रिंटर, नाम से ही समझ आ रहा है थर्मल, आपको क्या करना पड़ेगा हीट करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें पॉइंट क्या क्या बना सकते हैं, ये देखिए पहला एक तो ये क्या है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक, दूसरा और क्या देखते हैं, ये क्या करेगा
हीट का याद रखिएगा, जिसमें मतलब आपका ताप का क्या होगा, आपका किसमें उपयोग होगा, तो दूसरा पॉइंट आप क्या बनाएंगे इसका, हीट याद रखिएगा। तो हीट का प्रयोग करने वाला प्रिंटर क्या आएगा आंसर इसका, थर्मल। तीसरा जो देखेंगे इसमें किस प्रकार का पेपर का उपयोग किया जाता है, तो थर्मल क्या होगा आपका, थर्मल पेपर का ही उपयोग इसमें किया जाता है। उस पेपर को हीट करने के लिए एक विशेष प्रकार का जो क्या आता है, थर्मल पेपर आता है। ये देखिए थर्मल पेपर आपका, आपने कई बार केयर किया होगा कि आप जैसे मॉल्स में जाएंगे या किसी प्रकार का बिलिंग जब कराते हैं, तो आप जब एक बहुत ही काफ़ी बारीक सा पतला सा एक पेपर होता है जिसमें क्या होते हैं आपके सारे, या आप होटल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो एक बिल जनरेट होता है, तो वो किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंट होता है याद रखें, किस में होता है वो, इसी थर्मल प्रिंटर में। थोड़ा सा आप देखिएगा जैसे ही आप पेपर को लेंगे तो हल्का सा गर्म लगता है वो, ठीक है। तो ये थर्मल प्रिंटर के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये देखिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एयरलाइन, बैंकिंग, इंटरटेनमेंट, रिटेल, ग्रॉसरी, जो ग्रॉसरी आप लेने जाते हैं मॉल्स में जैसे डी मार्ट या किसी में जाएंगे तो आपको उस तरह का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीन पॉइंट हम लोगों ने इसमें बनाया। पहला पॉइंट है ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, दूसरा हीट का क्या करता है, ये हीट बेस्ड होगा, हीट का उपयोग करके क्या करेगा, प्रिंट करेगा इमेज को। तीसरा जो दिखाई देता है आपका क्या है, ये थर्मल पेपर का इसमें उपयोग किया जाता है, सामान्य पेपर पे नहीं होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा इसके उसको समझ लेते हैं, फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं। ये देखिए दो प्रकार, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लैंप लगा होता है, यही क्या होता है आपका, हीट जनरेट करता है। ये रोलर होता है जो कागज को रोल करेगा, ठीक है। ये आपका दिखाई दे रहा है थर्मल हेड दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे हीट प्रोड्यूस करते जाएगा, हीट प्रोड्यूस करने के बाद साथ क्या होगा आपका, वो क्या होगा आपके थर्मल पेपर में वो चीज़ें क्या होती जाएंगी, प्रिंट होती जाएंगी, ठीक है। बहुत कुछ ज़्यादा और इसमें समझने वाला बात तो है नहीं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ग्रॉसरी या एंटरटेनिंग अगर किसी भी प्रकार का बिल लेंगे तो इस तरह से आपको क्या दिखाई देता है, पेपर दिखाई देता है। चलिए, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। आप देखिए जैसे बार कोड वाला अगर मान लो जाए, ये हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन बार कोड BCR जो आपका देखेंगे तो उस तरह का अगर प्रिंट आउट अगर निकलेगा तो किसमें निकलेगा, इसी प्रिंटर से आप प्राप्त कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर, चलिए इसमें अब क्या बनाते चलेंगे। देखिए पहला पॉइंट, इंकजेट प्रिंटर जो होगा, इंकजेट नाम से समझ आ रहा है, इंकजेट, जेट मतलब आपका क्या होगा, इसका रिजर्वेयर होगा जो क्या करेगा, ड्रॉपलेट के माध्यम से क्या करेगा, उसको इंक को ड्रॉपलेट के माध्यम से स्प्रे कर करके क्या करते जाएगा, प्रिंट करेगा। तो पहला ये क्या है आपका, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। दूसरा इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इंकजेट, तो स्प्रे क्या करेगा, ये इंक का ड्रॉपलेट बना के क्या करेगा। देखिए ये जितने भी पॉइंट्स बना रहे हैं इसी से ही प्रश्न बनेंगे और इसी से आपको आंसर लेना है, ठीक है। क्या करेगा, ड्रॉपलेट किसका, इंक का बनाकर क्या करेगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा, तो ये दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, दूसरा आपका ड्रॉपलेट इंक जो एक जेट रहेगा उसके थ्रू क्या करेगा, नोजल के थ्रू क्या करते जाएगा, ड्रॉपलेट मतलब आपके इंक का ड्रॉपलेट बना बनाकर उस इमेज को क्या करते जाएगा, प्रिंट करते जाएगा। चलिए थोड़ा फंक्शनैलिटी को देखते हैं इसका। ये देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक नोजल दिखाई दे रहा है, ये देखिए ड्रॉपलेट इस तरह से क्या बनाएगा, इसका ड्रॉपलेट बना बनाकर पेपर में क्या करते जाएगा, ये ड्रॉप करते जाएगा और उस तरह से फिर प्रिंट होते जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसको जेट आप समझ सकते हैं यहाँ पर, और एक प्रकार से यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया जाता है जो हीट करता है, जैसे आप पानी को गर्म करते हैं, जैसे आपका हीटर होता है तो हीटर का जो रॉड होता है वो गर्म होने के बाद क्या करता है आपका, ये आपका ठीक है वो बॉइल्ड होना चालू हो जाता है। तो उसी तरह से याद रखिएगा ये क्या होगा, आपके बबल्स उठने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये क्या होता है रेजिस्टेंस इसको हीट करता है, हीट करने के बाद यही क्या करेगा, इसको ये ड्रॉपलेट बनाकर क्या करते जाता है, ये पेपर पर ड्रॉप करते जाएगा और इसी तरह से ये प्रिंट करते जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें एक प्रश्न और ये आता है, ये देखिए इसमें ये जो हम लोग कार्टेज जो बात करते हैं, कार्टेज इसका खत्म हो गया है, आप जनरली आप सुनते होंगे किसी भी दुकान या घर में जैसा भी आप प्रिंटर रखे होंगे, तो इसमें चार प्रकार के कलर होते हैं। पहला ये क्या दिखाई दे रहा है आपका, ये ब्लैक कलर, ठीक है। दूसरा ये सभी को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपका है सियान कलर, तीसरा है मैजेंटा और चौथा है येलो,
तो जाहिर सी बात है इस कार्टेज में चार कलर होते हैं, इस चीज को ध्यान देना है आपको, आरजीबी नहीं होता, इसी आरजीबी से ये सारे कलर बने हुए हैं, ठीक है, चाहे सियान कलर हो, येलो कलर हो, मेजेंटा कलर हो, ये आरजीबी से ही ये तीनों कलर आपके बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी, तो आंसर क्या लेंगे, चार आप क्या लेंगे, आंसर इसका लेंगे, ठीक है। इसके पहले देखा हम लोगों ने, ये हो गया इंकजेट प्रिंटर। अब आते हैं लेजर प्रिंटर की ओर, ठीक है। अब पहला चीज, एक तो ये नॉन इंपैक्ट क्या होगा आपका, प्रिंटर होगा, ठीक है। दूसरा क्या दिख रहा है आपका, लेजर बीम के, एक तो हम लोगों ने हीट किसमें देखा आपने, हीट बेस्ड क्या है आपका, थर्मल प्रिंटर है। और जो आपने नोजल का जो ड्रॉपलेट जो बेस्ड आपका जो परफॉर्मेंस को परफॉर्म कौन करता है आपका, वो आएगा क्या आपका आएगा, इंकजेट। अब लेजर प्रिंटर क्या करेगा, लेजर बीम के थ्रू काम करेगा, ठीक है। इसमें याद रखिएगा, ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक, इसमें हो गया आपका ये पहला पॉइंट, ये हो गया पहला नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। दूसरा याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, लेजर बीम का उपयोग होगा। तीसरा सेलेनियम कोटेड ड्रम होगा, क्या होगा आपका, तीसरा इसमें जो ड्रम लगा होता है सेलेनियम कोटेड होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो ये तीन हम लोगों ने थोड़ा फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं इसका। ये देखिए क्या होता है, ये जो लेजर बीम के थ्रू आप क्या करते हैं इस तरह से, और ये होगा आपका क्या, मिरर लगा होता है जो रिफ्लेक्ट करके किसमें, इसी ड्रम में, क्या होगा ये जो ड्रम दिख रहा है, ये क्या होगा, क्या होगा आपका, सेलेनियम कोटेड ड्रम होता है। इसी ड्रम के थ्रू क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा और उसके बाद आपका क्या होगा, प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक मिरर भी होता है जो आप क्या करते हैं, लाइट वेव जो आपका आएगा ये लेजर बीम, बीम के थ्रू आएगा, इस बीम को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके किसमें, किसमें ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा आपके सेलेनियम कोटेड ड्रम में, ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्शन करेगा, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा एक फंक्शनलिटी है। आगे बढ़ते हैं, लेजर प्रिंटर से संबंधित है, चलिए इसको भी फटाफट देखते चलते हैं। लेजर प्रिंटर से संबंधित है, ठीक है। देखिए पेज प्रिंटर, अभी मैं क्या बताया, जिसमें पेज बाय पेज क्या करते जाएगा, प्रिंट करते जाएगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लाइन बाय आपका लाइन प्रिंटर, लाइन में आपने देखा चैन बैंड आपका ड्रम प्रिंटर, और इसके पहले आपने क्या दिया, डॉट मैट्रिक्स, डेसीबल, ये सब क्या होगा, कैरेक्टर प्रिंटर हो जाएगा, और ये क्या होगा, लेजर प्रिंटर, पेज प्रिंटर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है प्रकाशीय ड्रम, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जो सेलेनियम कोटेड ड्रम की बात कर रहा हूं वही प्रकाशीय ड्रम है। लेजर बीम, यस ओके सही है ये। अब इसी स्याही टोनर, अभी जो मैं सूखी स्याही की बात कर रहा था, ठीक है, वो यही है आपका, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, आंसर क्या आएगा इसका, आपको सभी को लेना है, इसलिए इसके जितने भी प्रिंटर देखने उसके फंक्शनैलिटी को थोड़ा समझना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है प्रकाशी, अच्छा ये तो वही प्रश्न है। चलिए अब आते हैं 3D प्रिंटर, ठीक है। तो पहला चीज याद रखिएगा, ये क्या होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट हमको क्या होता है इसका, एक फिजिकली एक आकार के स्वरूप में हमको क्या होता है, जो आकार आप कंप्यूटर में डिजाइन करते हैं वही क्या होता है आपको, फिजिकली आपको प्राप्त होता है, फिजिकली ऑब्जेक्ट आपको प्राप्त होगा, पहला पॉइंट इसमें। दूसरा देखिए, अब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो रॉ मटेरियल कैसा होगा, लिक्विड, ये देखिए पाउडर्ड प्लास्टिक और मेटल सीमेंट, ठीक है। लिक्विड होगा, पाउडर्ड होगा, या तो आप पाउडर प्लास्टिक होगा, और क्या होगा, मेटल और सीमेंट, इसके इसके थ्रू ही क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है, डिजाइन किया जाता है। चलिए ये देखिए 3D प्रिंटर को थोड़ा सा समझते हैं, जनरली आप हॉलीवुड के मूवीज में देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, या आपने यूट्यूब में कभी देखा होगा। तो ये देखिए, ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट आपको प्राप्त हो रहा है, आपने पहले इसको क्या किया, कंप्यूटर में डिजाइन किया, और डिजाइन के आपके क्या है, उस बेस पे उसने क्या किया, उसको उसको उसी तरह से ऑब्जेक्ट को डिजाइन कर दिया। ये देखिए ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही इस तरह से है। तो पहले क्या करते हैं आप, उसको कैड में इस सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे, उसको पहले डिजाइन करेंगे, ये देखिए इस तरह से आपका डिजाइन होगा, फिर लेयर टू लेयर अलग अलग लेयर में क्या होगा, इसका डिजाइनिंग होगा। डिजाइनिंग होने के बाद देखिए आपका ये फिर मेटल या उसमें क्या होगा आपका, ये देखिए अलग अलग भाग में, और ये पूरा आपका फाइनली उस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। चलिए
किसने 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। चलिए तो आविष्कार आपको याद रखे किसने किया था, यह आपको जानना इसमें जरूरी है, ठीक है। तो क्या आएगा, चार्ल्स हल ने आपका क्या किया था, इसने आविष्कार किया था। यूएसए की संस्था MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट जो है उसमें 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की गई, इसी को क्या कहते हैं आपका 3D प्रिंटिंग कहेंगे, याद रखिएगा MIT। इसके जो लेबोरेटरी जो सेंटर होते हैं या इंस्टीट्यूट होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लॉटर, अब देखिए इसको भी फटाफट प्लॉटर को देख लेते हैं, ठीक। ये देखिए प्लॉटर कैसे काम कैसे करता है, याद रखिएगा जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये सब इस तरह से, इसमें क्या होते हैं ऑटोमेटेड पेंस होते हैं, क्या होते हैं आपका, ये ड्रॉ करता है ऑटोमेटेड पेंस के थ्रू, क्या करता है ये प्लॉटर ड्रॉ करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट लाइन बनाता है, ठीक है। ये पहला आपने पॉइंट बनाया, दूसरा पॉइंट आपने क्या बनाया, पॉइंट टू पॉइंट लाइन ये क्या करता है, ड्रॉ करता है, ठीक है। चलिए इसमें हाँ एक बहुत अच्छा इसमें चीज दिया, देखिए प्लॉटर डिफर्स फ्रॉम प्रिंटर कैसे, क्योंकि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए कॉन्टिन्यूस ये लाइन बनाता है, ठीक है। और प्रिंटर क्या करता है, आपका कलेक्शन ऑफ डॉट्स होता है, ये देखिए, तो प्रिंटर क्या क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ डॉट्स होगा, लेकिन जो प्लॉटर होगा वो क्या करेगा, लाइन टू लाइन क्या करेगा प्रिंट, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, ऑटोमेटेड पेंस के थ्रू करेगा, दूसरा क्या है ये क्या करेगा आपका कंटिन्यूस पॉइंट टू पॉइंट ये क्या करते जाएगा, ये देखिए लाइन बनाते जाएगा, ठीक है। ये है आपका प्लॉटर, ठीक। चलिए इसको अगर एक छोटा सा शॉर्ट इसका फंक्शनलिटी देखिए, ये ड्रम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये मेटालिक बेल्ट इसमें लगा हुआ है, ये है इसी की बात कर रहे थे हम लोग, ये जो पेन जो दिखाई दे रहा है ये क्या करेगा, यही ऑटोमेटेड पेन होता है, यही पेन क्या करता है पॉइंट टू पॉइंट उसको क्या करते जाएगा, हॉरिजेंटली वर्टिकली ये क्या करते जाएगा, ड्रॉ करते जाएगा, ठीक है। और ये जैसे बहुत बड़े आकार का जैसे आप बैनर पोस्टर बनाते हैं तो उसके लिए काफ़ी क्या होता है, इफेक्टिव होता है, कौन सा आपका प्लॉटर, ठीक है। कुछ प्रश्न आए उसको देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना करेंगे। तो अब प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र आदि पर प्रिंट करने का कार्य करता है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी पर, हार्ड कॉपी पर, नॉर्मल कॉपी पर, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, जाहिर सी बात है अगर मैं सॉफ्ट कॉपी की बात करूँ तो फिर सॉफ्ट कॉपी तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये किस पर क्या करेगा, हार्ड कॉपी, ठीक है, पेपर ले सकते हैं, ठीक है। तो हार्ड कॉपी पर क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। प्लॉटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखना है आपको, यह रेमिंगटन रैंड ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। प्लॉटर के किस सन में विकसित किया गया था, तो इसको याद रखिए 1953 में इसका क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। एक ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो कि बहुत से ज्यादा प्रिंटर के जैसे ही होता है और इसका इस्तेमाल वेक्टर ग्राफिक्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर ग्राफिक्स, इसके फंक्शनलिटी में ये बहुत मेजर आपका याद रखिएगा, ये की पॉइंट को याद रखिएगा, कहां गया, वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक, आउटपुट जो आदि को प्रिंट करने का कार्य करता है। अच्छा अपन पहले में आ गए, इसमें एक जो कीवर्ड आ रहा है वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला के तहत की एक क्या होता है, ये कमांड होता है और उसी के आधार पर क्या होता है, ये प्लॉटर आपका काम करेगा, वेक्टर ग्राफिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ग्राफिक्स इसी थ्योरम पे क्या करता है, ये काम करता है, ठीक है। इनमें से क्या एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है, चलिए देखते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर, ठीक है। ये देखिए प्रकार हम लोगों ने पढ़ा नहीं था तो इसमें देख लीजिए, आपका ड्रम बेड प्लॉटर नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा, इसके दो टाइप्स होंगे, पहला आपका क्या दिखाई दे रहा है, फ्लैट बेड प्लॉटर दिखाई दे रहा है और दूसरा आपका क्या दिखाई दे रहा है, ड्रम प्लॉटर, ठीक है। और अगला, प्लॉटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, टेक्निकल ड्राइंग क्रिएट करने के लिए, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है ए और बी दोनों नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो टेक्निकल